अपने अष्ट विनायक है, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्ट विनायक की। पर कभी आपने सोचा कि विनायक आठ ही क्यों है, सात या नौ क्यों नहीं है, छह या दस क्यों नहीं है? हमारे यहां कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? और अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं, यानी जिसको आप कहते हैं ना आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किसलिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपत की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है, माना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है, तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। आठी विनायक क्यों है? क्योंकि आठ चक्र हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत आज्ञा विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है, इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं, यह उसका प्रतीक।